किचन आज हम बनाएंगे लेडी फिंगर बाइट्स। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम भिंडी। भिंडी का साइज हम 2 इंच में कट कर लेंगे। क्रस्ट कॉर्नफ्लेक्स, 4 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल फॉर कुकिंग। भिंडी को हम कोट करेंगे, इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम भिंडी को हमने अच्छे से कोट कर दिया, अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब इसको हम 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं, अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 2 टेबलस्पून मैदा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स पानी की डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो ये अच्छे से कोट हो गया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम 2 टेबलस्पून मैदे का स्लरी बना लेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसकी एक स्लरी रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हो हमने स्लरी को रेडी कर लिया है। अब इसमें हम भिंडी को डिप करेंगे। अब हम भिंडी लेंगे, इसको स्लरी में डालेंगे। अब इसको हम कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। आप देख सकते हो इसको हमने कोट कर लिया है। इसी तरह हम सारी भिंडी को कोट कर लेंगे। भिंडी को हमने अच्छे से कोट कर दिया, अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे, अब इसमें हम कोटेड भिंडी डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हम गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी बने हैं। ये फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम सर्व करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी लेडी फिंगर बाइट्स। मेरे और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।